Hi everyone, good morning to everyone out there. A very warm welcome to everyone in this today's session. And today we are going to see our first short story. Okay, our first short story of press. Now, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अरे आप ये दोबारा से क्यों कर रहे हैं, है ना? आप इस स्टोरी को दोबारा से क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? देखो, अगर आपको याद हो जब मैंने इसे पढ़ाया था फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट, दोज हुआ 12th नाउ, उन लोगों के लिए जो मैंने पढ़ाया था, तो एक समरी, एक आपके साथ डिटेल समरी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं कराया था, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस शॉर्ट स्टोरी. ओके, स्टोरी को समझने के लिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है. ओके, मैंने दो शॉर्ट स्टोरीज ऐसे ही बता दी थी, द वन इज दिस अ लिविंग गॉड एंड नेक्स्ट एडवाइस टू यूथ. वो भी मैंने भले ही दो बार की हो बट मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं किया है. तो वो दोनों स्टोरीज, एक ये वाली एक वो वाली, ओके, मार्क ट्वेन की वो वाली, हम दोनों स्टोरीज को फिर से करेंगे और इस बार हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से ही करेंगे, ठीक है? सो दिस विल बी योर धमाका पैकेज फॉर द स्टोरी, क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं पूरी शॉर्ट स्टोरी को इन वन शॉट विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. ओके, सो विदाउट मिसिंग नो मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट लेट्स गो इनटू द टाइटल, क्योंकि स्टोरी में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? टाइटल देखना होता है. अगर टाइटल समझ आ गए तो आगे की चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती चली आती हैं, ठीक है? तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अभी क्लास 11th में आए हैं, ठीक है, उनके लिए इट्स अ वेरी प्रॉफिट, राइट? इट्स अ प्रॉफिट, क्योंकि उन्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, ठीक है? और दूसरी बात, जो पहले बच्चे थे 12th क्लास के, राइट, दोज हु आर इन 12th क्लास नाउ, उनके लिए यू कुड सी इट्स अ काइंड ऑफ 1 आवर वीडियो, बट स्टिल इट्स नॉट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. इट डज नॉट डिड नॉट कवर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. सो यू कुड प्रेडिक्ट दैट अगर हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, इट कुड बी एक्सटेंडेड टू 1 आवर. ओके, 1 आवर से ज़्यादा होने वाली है, ठीक है? सो या लेट्स स्टार्ट लिविंग गॉड बाई लैफ्केडियो हर्न. ओके, लैफ्केडियो हर्न का फुल नेम किसी को पता है? या डू यू नो द फुल नेम ऑफ लैफ्केडियो हर्न? दैट्स पैट्रिक लैफ्केडियो हर्न, ठीक है? उनका फुल नेम क्या था? पैट्रिक लैफ्केडियो हर्न. एंड उन्हें हम और किस नाम से जानते थे? कुइजुमी यकुमो. याद आ रहा है कुछ? कुइजुमी यकुमो. सो लैफ्केडियो पैट्रिक हर्न, ठीक है? ये तो हमारे मतलब फुल नेम है टाइटल का, लाइक ऑथर का. बट अगर हम देखें इनका ओरिजिनल नेम, सो दैट इज कुइजुमी यकुमो. अब आप इस नाम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जापानीज लाइक राइटर. ओके, जापान के ही हैं ये और इन्होंने इस जापान की ही स्टोरी को लिखा है, ठीक है? दिस अ काइंड ऑफ जापानीज स्टोरी. तो चलिए शुरू करते हैं और टाइटल को समझते हैं, अ लिविंग गॉड. देखो, अ लिविंग गॉड, अगर मैं ट्रांसलेट करूँ इसे हिंदी में, तो एक जीता हुआ, एक जीता जागता भगवान. Is it possible? Means you have seen the God? No, you have not seen. You could like sense him, you could feel the presence of God all over the world, but you cannot see, right? So why here he is saying a living God? Living God ka matlab hai, dekho, since Hamaguchi, aapko bata do, Hamaguchi was a great personality. उसने 400, याद रखेंगे, 400 विलेजर्स को द ग्रेट कैलमिटी, द ग्रेट सुनामी जो कि अप्रोच कर रही थी उनके विलेज की तरफ, उससे बचाया था 400 पीपल को. ओके, और उसी की रिस्पेक्ट में, आपको लास्ट में पता चलेगा, उसी की रिस्पेक्ट में विलेजर्स ने हामागुची का एक टेंपल बनवाया है, उनकी आइडल रखवाई है और उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है. सो एक तरफ हामागुची इज लिविंग, ही इज स्टिल अलाइव, राइट? और एक तरफ आप उन्हें भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इजंट इट, उनकी पूजा कर रहे हैं, इजंट इट? सो दैट्स व्हाई हियर द टाइटल वांट टू से दैट अ गॉड इज लिविंग, बिकॉज हामागुची इज लिविंग, ही इज स्टिल अलाइव. हम क्या करते हैं, कोई शहीद हो गया उसके बाद हम उसकी लाइक आइडल बनवाते हैं,
या किसी की डेथ हो गई, मतलब मरने के बाद उसकी आइडल बनती है। कभी मैंने या आपने भी ये केस नहीं देखा हो कि कोई जीता जीता किसी की आइडल बना दी और उसकी पूजा कर रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इन द स्टोरी इट इज देयर। हामागुशी इज स्टिल अलाइव, बट ही द विलेजर्स इन द ऑनर ऑफ हामागुशी, ओके, टू शो हिज प्रिविलेज, टू शो हिज ऑनर, टू शो हिज रिस्पेक्ट, उन्होंने क्या किया, हामागुशी की एक आइडल बनवा दी। सो कहा जाता है दैट आइडल, ओके, इज द सिंबल ऑफ वॉट, सेक्रीफाइस, ओके, इट्स अ स्टोरी फुल ऑफ सेक्रीफाइस, इट्स द स्टोरी फुल ऑफ सेल्फलेस डीड, एंड इट्स द स्टोरी फुल ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन थीम आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए जाते हैं। जो हामागुशी थे, ही सेक्रीफाइसेस, ओके, ही सेक्रीफाइस, ही डन द सेल्फलेस, ओके, सेल्फलेस डीड, एंड थर्ड, ही वॉज अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड पर्सन, ओके, हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज ग्रेट। ये तीन जो हैं, दीज थ्री आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी, ओके, दीज थ्री आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी, प्लीज राइट इट ओवर योर टेक्स्ट बुक, ओके। सेक्रीफाइस कैसे किया था, बाय बर्निंग हिज फील्ड, बाय बर्निंग हिज राइस क्रॉप, ओके। सेल्फलेस डीड कैसे था, उन्होंने अपनी राइस क्रॉप को जलाने से पहले एक बार नहीं सोचा, जी हाँ, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी इतनी मेहनत, या खुद ही सोचिए, पैडी इज अ वेरी क्रूशियल क्रॉप, इजंट इट, जो पैडी होता है वो बहुत क्रूशियल क्रॉप होता है, एंड यू आर बर्निंग दैट पैडी इन वन शॉट, दैट्स नॉट अ मैटर, राइट। सो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था अपनी धान की खेत को जलाने का। एंड नेक्स्ट, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे, देखो, व्हेन सुनामी वाज गोइंग टू अप्रोच, सुनामी से और सुनामी को होने से पहले कुछ फिनोमेना होती हैं, अगर आप उन फिनोमेना को देख लेते हैं, उन फिनोमेना को चेक कर लेते हैं, तो आप बच सकते हैं। फिनोमेना क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, बादल जो है, जो स्काई है, नॉर्मल स्काई है वो सडनली ब्लैक हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, मर्की हो जाएगा, इजंट इट, सडनली अचानक से बिल्कुल काला बादल हो जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, जो ये होते हैं बर्ड्स होते हैं, जो काइट्स होती हैं, बर्ड्स हो गए, काइट्स हो गए, पक्षी जो होते हैं उड़ने वाले, दे हैव द सिक्स सेंस, इनके पास सिक्स सेंसेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास फाइव सेंसेस होते हैं, बट दे हैव द सिक्स सेंस, और उस सिक्स सेंस से दे कुड प्रेडिक्ट कि कुछ गलत होने वाला है, तो वो अब नॉर्मल तरीके से एक साथ, एक पूरे ग्रुप में, एक पूरे बंच में वो लोग भागते हैं, उड़ते हैं, मतलब बहुत सारे पक्षी एक तरफ उड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कुछ अब नॉर्मल होने वाला है नेचर में। दूसरा तो ये होता है। तीसरा, व्हेन सुनामी यूज टू अप्रोच, क्या होता है, जो वाटर, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो सी होता है, सी का पानी पहले तो आगे जाएगा, सी का पानी कैसा होता है, आगे जाता है, पीछे आता है, उसकी वेव्स आगे जाती हैं, पीछे जाती हैं, इज़न्ट इट, कुछ इस तरीके से ही तो होता है। बट एक बार सी का पानी जब पीछे चला जाए, है ना, आगे जाके पीछे चला जाए, और कम से कम आधे घंटे, ओके, 40 मिनट्स तक वो आगे चलकर नहीं आए, मतलब पीछे ही रह जाए, इज़न्ट इट, आप समझ पा रहे हैं। पानी जो है, ये थीम पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं इसे हटाकर दोबारा से आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज द वॉटर, समुद्र का पानी यहाँ से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है समुद्र का पानी, ठीक है, ऐसे ही तो आता है, ये आगे आया फिर पीछे गया, इजंट इट, ये आगे आया फिर पीछे गया, फिर आगे आया फिर पीछे गया, इस तरीके से ही तो होता है, राइट, दिस इज द फिनोमेना ऑफ वेविंग, वेव का यही तो फिनोमेना होता है कि आगे जाती है। बट जब वो जब वे पीछे जाकर, ध्यान से समझेंगे,
जब वे पीछे जाकर आगे ही नहीं आए, बहुत टाइम तक आगे ही नहीं आए, तो जो पीछे का पानी होता है, जो पीछे गया है, वो क्या हो रहा होता है, कलेक्ट हो रहा होता है, इकट्ठा हो रहा होता है, और फिर अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर बाद, ओके, आधे घंटे बाद क्या होता है, अ ह्यूज इनॉर्मस टाइडल वेव यूज टू कम, अब बहुत बड़ी, बहुत विशाल, क्योंकि पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा होता है और उस पानी के इकट्ठा एक साथ आता है बहुत सारा, ओके, और फिर वही एक बहुत ही उस एक बहुत मैसिव टाइडल वेव क्या कहलाती है, सुनामी, दैट्स अ सुनामी, दिस इज द फिनोमेना ऑफ सुनामी, ठीक है। तो यही हो रहा होता है वहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हामागुची क्या करते हैं, इन हामागुची को सब पता चल जाता है ये फिनोमेना कि अरे कुछ गलत होने वाला है, ओके, तो वो क्या करते हैं, व्हाट ही यूज्ड टू डू इज वो इन ऑर्डर टू टेल द टेंपल, टेंपल को देखो यहाँ पे शिंटो टेंपल है, याद रखेंगे शिंटो टेंपल है, जो कुछ भी अनाउंसमेंट होती है गांव में, ओके, कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, तो सबको इकट्ठा करने के लिए उस शिंटो टेंपल की बेल को, जो कि बहुत ह्यूज बेल है, उस बेल को बजाया जाता है, उस बेल की आवाज़ सुनकर ही सारे विलेजर्स को पता चल जाता है कि हमें अभी शिंटो टेंपल में कलेक्ट होना है, क्योंकि कोई ग्रेट अनाउंसमेंट प्रीस्ट या कोई और पर्सन या हामागुशी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था उस गाँव का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि गोहाई को, हामागुशी गोहाई को पता चल जाता है कि देयर इज अ चांस ऑफ सुनामी, क्योंकि ये सारी फिनोमेना हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से टेंपल पे जाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है भाई टेंपल पर जाना, ओके, क्योंकि सुनामी कभी भी आ सकती है, ओके, कभी भी सुनामी आ सकती है, और उन्हें 400 लोगों की जान बचानी है ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा टेंपल पे चढ़े, क्योंकि दैट इज़ वेरी लाइक दैट इज एट द पीक, ऊपर है वो, ठीक है, पीक पर है, तो इतना टाइम नहीं होता कि वो ऊपर जाएं और फिर घंटे को बजाएं और फिर लोग आएं, इजंट इट। तो क्या करते हैं, उनके दिमाग में एक बहुत लाइक बढ़िया आइडिया स्ट्राइक करता है, और वो आइडिया क्या होता है, अपनी फील्ड, अपने धान की फील्ड को ही जला देना, समझ पा रहे। तो वो क्या करते हैं, जल्दी से एक मशाल जलाते हैं और अपनी पूरे एक एक करके पूरे पैडी में, पूरे धान में आग लगा देते हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज ब्लेज कमिंग अप, एक बहुत बड़ी आग ऊपर जल रही होती है, जो कि दूर से ही दिखाई दे सकती थी, है ना, आपने देखा होगा जब भी खेत में आग लगती है तो दूर से ही स्मोक उसके, ओके, उसका स्मोक, उसकी आग, उसकी ब्लेज जो है, फ्लेम्स जो है, वो ऊपर उड़ रही होती हैं, इजंट इट। तो यही वहाँ हो रहा था, जब उन्होंने देखा सारे ब्लेजर्स ने कि वहाँ पे कुछ गलत हुआ है, वहाँ पे तो हामागुशी का खेत है और वहाँ कुछ गलत हुआ है, देन व्हाट ही यूज टू कम, दे ऑल कलेक्ट और दे ऑल गो टू हेल्प हामागुशी, बिकॉज हामागुशी वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन, सबकी मदद करते थे पूरे गांव में, तो उनकी भी मदद लोग करते थे, इजंट इट। सो क्या हुआ वहाँ पर, जब सारे लोग कलेक्ट हो गए, सारे लोग, सबसे पहले आए यंग लोग, ठीक है, सबसे पहले यंग लोग आए, फिर ओल्ड लोग आए, फिर चिल्ड्रेन और विमेन आई, ओके, इस तरीके से ग्रुप बाय ग्रुप लोग आए। जब पूरे लोग कलेक्ट हो गए, तभी उन्होंने पूछा कि आई वॉन्ट होल मोराव हेयर, मतलब मैं पूरा झुंड पूरे लोगों को चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि सारे लोग यहाँ पर हैं, देन हिज सन हु वॉज रिपीटेडली सेइंग माय ग्रैंडफादर बिकम मैड ही इज़ दिस दैट, मतलब बहुत बुरी तरीके से वल्गैरिटी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, उसका जो लाइक ग्रैंडसन है। बट जब हामागुशी ने पॉइंट किया उस सामने कि देखो मैंने तुम लोग को इसलिए यहाँ पर बुलाया था, इजंट इट, तो जब सब लोग उधर सामने देखते तो देयर इज़ अ ह्यूज वेव, एन इनॉर्मस वेव ऑफ सुनामी, और सुनामी वहाँ पे आ जाती है, और इस खेत को सेक्रीफाइस करके, अपने खेत को सेक्रीफाइस करके हामागुशी कईयों की जान बचा लेते हैं, ओके। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरीके से हामागुशी ने अपने खेत का सेक्रीफाइस करके 400 लोगों की जान बचाई। आई होप आपको पूरी समरी पता चल गई होगी, ठीक है। जब
Let's move to the Patrick Lafcadio Hunt. So Koizumi Yakumo's original name was Patrick Lafcadio Hunt. जैसे कि मैंने बताया इनका real name क्या था, Koizumi Yakumo. इन्हें Lafcadio Hunt या Patrick Lafcadio Hunt के नाम से भी जाना जाता था. He was born on June 27, 1850 in Ionian Island, that is in Greece. Okay, he was an open-minded writer and world traveler. ठीक है, एक open-minded writer थे, मतलब बिल्कुल open mind करके लिखते थे, कभी भी शर्माते नहीं थे कि अरे मैं इस story में ये नहीं डालूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, है ना. हमेशा मतलब जो उन्हें अच्छा लगता था वो डालते थे, isn't it? And he used to travel the world. वो बहुत अच्छे एक वेंडर थे, used to wander the world a lot. Okay, his father was Irish and his mother was Greek. मतलब जो फादर थे वो आयरिश के थे. आयरिश क्या होता है भाई? ईरान. ठीक है, ईरान के थे और इनके जो मदर थी वो ग्रीक की थी. ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, ही इज़ Lafcadio Hunt. ठीक है, जब सो लेट्स मूव टू द स्टोरी. स्टोरी के अबाउट कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए. अ लिविंग गॉड बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट. ठीक है, एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है ये पूरा स्टोरी. ओके, इन सुनामी प्रोन जापान, जब जापान में सुनामी आई थी. ओके, इज अबाउट टू सेल्फ सेक्रीफाइस मेड बाय गोहाय हमागुशी द विलेज हेडमैन ऑफ हिज विलेज. ही वाज द हेडमैन ऑफ द विलेज मुरासाओ. इन्हें क्या कहते थे? मुरासाओ. मुरासाओ मीन्स द हेडमैन ऑफ द विलेज. नेक्स्ट, द अकाउंट ऑफ द स्टोरी इन थर्ड पर्सन इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्विफ्ट. We are engrossed in the events portrayed by the writer right from the beginning till the end. Hamabushi sacrifices everything of his to alert and save the village from the coming disaster in the shape of tsunami. Yep, very important. अगर आप इतना पढ़ लिया तो आप अपने answers में इसे बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, isn't it? Then he set fire to his old rice crop to give signal to villagers to save themselves. क्या किया था इन्होंने? अपनी पूरी राइस क्रॉप में आग लगा दी थी जिससे कि सिर्फ एक सिग्नल मिल सके और वो लोग यहाँ कलेक्ट हो सके. ही डज नॉट ट्वाइस थिंक ट्वाइस एंड डूइंग सो. मतलब उन्होंने दो बार नहीं सोचा इस करने से पहले. ओके, फॉर दिस सेक्रीफाइस पीपल कम टू वर्शिप हिम लाइक अ गॉड. अ टेम्पल इज बिल्ट इन हिज ऑनर. या एंड दैट्स वाई हियर योर टाइटल प्रूव्स. अब चलो भाई स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम. लेट्स स्टार्ट स्टोरी. यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी शब्द आएंगे, हल्के से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से. ठीक है, तो बी केयरफुल, मैं आपको सब बताऊँगा. सो फ्रॉम इमेमोरियल टाइम द शोर्स ऑफ जापान हैव बीन स्वेप्ट एट इररेगुलर इंटरवल्स ऑफ सेंचुरीज बाई इनॉर्मस टाइडल वेव्स. Tidal waves caused by earthquakes or by submarine volcanic actions. Now, ancient times से immemorable मतलब जब हमें याद भी ना हो, immemorable मतलब हमें पता भी ना हो. ancient time मतलब पुराने ज़माने से जो जापान की shores हैं, जो जापान के किनारे हैं, okay, they have been flowing. swept का मतलब है flow करना. वो फ्लो कर रहे हैं एट इररेगुलर इंटरवल्स ऑफ सेंचुरीज, मतलब रैंडम तरीके से. आप सबको पता है जापान इज नोन फॉर हिज सुनामी. ठीक है, हिज अर्थक्वेक्स, हिज व्हाट, कैलामिटीज, राइट. तो यहाँ पर यही Lafcadio कहते हैं कि पहले से ही जो जापान के किनारे हैं उससे मतलब रैंडम तरीके से इनॉर्मस टाइडल वेव्स आ जाती थी, रैंडम तरीके से सुनामीज आ जाती थी. टाइडल वेव्स का मतलब होता है टाइड्स. आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा टाइड्स, दैट इज करंट्स. ओके, जो करंट्स होते हैं, वेव्स होती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं टाइड्स, राइट. सो टाइडल वेव्स जो होती हैं वो किसके थ्रू कॉज होती हैं? अर्थक्वेक के थ्रू. ओके, टाइडल वेव्स द कॉज बाय अर्थक्वेक्स और बाय सबमरीन वॉल्केनिक एक्शंस. और जो सबमरीन का मतलब क्या होता है? अंडर वाटर जो होते हैं, ओके, जो वाटर के अंदर होते हैं, उनके वॉल्केनिक एक्शन से. देखिए, कुछ होते हैं एक्टिव वॉल्केनोज और कुछ होते हैं इनएक्टिव वॉल्केनोज, राइट. वन इनएक्टिव वॉल्केनोज वी हैव इन आवर इंडिया एज वेल, राइट. वो बात की बात है आपको. देखिए, एक होते हैं वॉल्केनोज
अर्थ पर, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और कुछ होते हैं पानी के अंदर ही. तो दिस वॉज अ लाइक वोल्केनो, ओके, पानी के अंदर, जो कि वोल्केनिक एक्शंस बार बार होते रहते थे. वोल्केनो इरप्ट होता रहता था बार बार. दिस ऑफल सडन राइजिंग ऑफ द सी आर कॉल्ड बाई द जैपनीज सुनामी. ना अब यहाँ पे लेफ्ट के टू कहते हैं कि ये जो बहुत दुखी वाली वेव्स थी, ओके, ये एकदम जो समुद्र की वेव्स थी एकदम से अपने आप ही रैंडमली राइज हो जाती थी, इनको जापनीज क्या कहते थे, सुनामी. ठीक है, जापनीज सुनामी कहते थे. नेक्स्ट, ऑन द इवनिंग ऑफ जून 17, 1896. अब बताते हैं, देखो इस डेट पर क्या हुआ था. 17 जून 1896 को अ वेव नियरली 200 माइल लॉन्ग स्टक द नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ मियागी, इवाते एंड अमोरी, रैकिंग सोर्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस. मतलब 17 जून 1896 को एक 200 माइल्स समझ रहे हैं, बहुत बड़ी, ओके, 200 माइल्स लॉन्ग एक वेव आई थी, ओके, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री में, ओके, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच की कंट्रीज में, प्रोविंसेस मतलब कंट्रीज में, कहाँ की, मियागी, इवाते और अमोरी, ये तीन जगह हैं, ओके, ये तीन जगह हैं, इनकी कंट्रीज में वो सुनामी आई थी जिसने पूरे हर टाउन और हर विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया. रैक मीन्स डिस्ट्रॉय कर दिया. रैकिंग स्कोर्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, रूनिंग होल डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रॉइंग नियरली 30,000 ह्यूमन लाइव्स. मतलब इन्होंने सारे विलेज को, सारे डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और 30,000 ह्यूमन की लाइफ ले ली. 30,000 ह्यूमन्स मारे गए. ओके, द स्टोरी ऑफ हामागुशी गुहा इज द स्टोरी ऑफ लाइक कैलामिटी विच हैपन्स लॉन्ग बिफोर द एरा ऑफ मियाजी ऑन अनदर पार्ट ऑफ जैपनीज कोस्ट. और जो ये हामागुशी की स्टोरी है, ये भी एक कैलामिटी, एक सुनामी पर बेस्ड है. ओके, एक सुनामी पर बेस्ड है जो कि मियाजी के एरा पे हुई थी. मियाजी एरा इज लाइक एरा ऑफ जैपनीज, ओके, जापान का एक एरा होता था. इसका जो टाइम पीरियड है वो है, अगर एक बार आप जापान की हिस्ट्री खोलेंगे तो उसका टाइम पीरियड आपको दिखेगा 23 अक्टूबर 1869 से, ओके, या 68 से होता है, कहाँ तक, जुलाई 30, 1912 तक. ये एक एरा है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है इस एरा के बारे में. ये जापान में, जापान की हिस्ट्री में दिस एरा वॉज नोन एज द मियाजी एरा. ठीक है, इस एरा को क्या बोलते थे, मियाजी एरा. तो आप इसे याद, मतलब लिख लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में, राइट. सो जो स्टोरी है वो ऐसी ही एक डिजास्टर की है जो मियाजी एरा, ओके, यानी अक्टूबर 23 से जुलाई 30 के बीच का जो एरा है उसके बीच में हुई थी. ओके, एंड ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापानीज कोस्ट, और दूसरी जगहों पर हुई जापान की. ही वॉज एन ओल्ड मैन. नाउ अब यहाँ पर हामागुशी का इंट्रोडक्शन हो रहा है. ही वॉज एन ओल्ड मैन एट द टाइम ऑफ द अकरेंस दैट मेड हिम फेमस. मतलब जो हामागुशी थे वो एक ओल्ड मैन थे, बहुत बूढ़े इंसान थे, और उन्होंने जो एक्ट किया था सुनामी के समय पर, उन्होंने जो काम किया था सुनामी के समय पर, उस काम ने उन्हें फेमस कर दिया. आप लास्ट में देखेंगे, ही वॉज ऑल्सो नोन एज डेमियोजिन. डेमियोजिन करके भी उनका यहाँ पर नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है गॉड. ठीक है, तो उन्हें गॉड की तरह मानने लगे थे लोग, गॉड की तरह पूजने लगे थे, ओके, उनके इसी एक्ट के चलते. नेक्स्ट, ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेजिडेंट ऑफ द विलेज टू विच ही बिलोंग. मतलब जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा, लाइक आप कह सकते हैं, प्यार करने वाले पर्सन वही थे. ओके, जिस गांव में वो बिलोंग करते थे, उस गांव के जो निवासी हैं, उस गांव के जो रेजिडेंट लोग हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. He had been for many years its Murasaw or headman, and he was not less
liked than respected. मतलब जो वो उस विलेज में काफ़ी सालों तक मुरा साहू भी रहे हैं. मुरा साहू का मतलब होता है हेडमैन, जिसे हम सरपंच कहते हैं ना, जो हर डिसीज़न लेता है या कोई भी हम लोग डिसीज़न लेते हैं गांव में तो पहले उनसे पूछते हैं, इज़न्ट इट, क्या ये डिसीज़न सही है हमारे लिए. तो जो हामागुशी हैं उन्हें लोगों ने मुरा साहू भी बना दिया था. मुरा साहू का मतलब होता है हेडमैन, ठीक है. मुरा साहू बनाया था उसके विलेज, अपने विलेज का, और वो किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से कम नहीं थे. मतलब ही वॉज अ मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, मोस्ट लाइक जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे वो थे. द पीपल यूजली कॉल्ड हिम ओजी शान, जो लोग हैं वो अक्सर उन्हें ओजी शान करके कहते थे, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर करके बुलाते थे. बींग द richest मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ही वॉज समटाइम्स ऑफिशियली रिफर्स टू एज द चौजा. मतलब क्योंकि वो सबसे अमीर इंसान थे पूरे गांव में, ओके, ही वॉज हैविंग अ वेरी ह्यूज लाइक क्रॉप ऑफ राइस, सो ही वॉज अ वेरी फेमस एंड वेरी रिच पर्सन. तो इसलिए ऑफिशियली लोग उन्हें क्या कहते थे, कभी कभी उन्हें चौजा करके भी बुला लेते थे, ठीक है. तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो इतने अमीर थे, अगर वो चाहते तो खुद ही सोचिए, जो अमीर है वो अपने पैसे क्यों बर्बाद करेगा, इज़न्ट इट. अगर वो चाहते तो अपनी क्रॉप को नहीं जलाते और मरने देते उन 400 लोगों को, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, राइट. सो ही वॉज नोन एज चौजा, विच मीन्स सबसे ज़्यादा जो अमीर होता है पूरी कम्यूनिटी में, ओके. ही यूज टू एडवाइज द स्मॉलर फार्मर्स अबाउट देयर इंटरेस्ट, टू एट्रीब्यूट देयर डिस्प्यूट्स, टू एडवांस देयर मनी इन एट नीड, एंड टू डिस्पोज ऑफ द राइस फॉर दैम ऑन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल. मतलब वो जो लोअर फार्मर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनकी उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करते थे कि उनका इंटरेस्ट कैसे बढ़े, उनके जो पैसा ज़्यादा आए कैसे आए, ठीक है. और उनकी जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी उन्हें सॉल्व करते थे. एट्रीब्यूट का मतलब होता है सॉल्व करना, ठीक है. तो उनकी लड़ाइयों को एट्रीब्यूट करते थे, उनकी लड़ाइयों को सॉल्व करते थे, और हमेशा ये कोशिश करते थे कि इनका जो मुनाफा हो राइस में वो बहुत अच्छी तरीके से हो. मतलब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें प्रॉफिट मिले इनकी फील्ड में, ठीक है. तो हमेशा उनका यही मतलब कहना था कि हमेशा जो रेजिडेंट्स हैं उनके, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, प्रॉफिट मिले इन द बेस्ट टर्म्स पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके. नेक्स्ट, हामागुशीज बिग फेस्ट. अब यहाँ पर हामागुशी के घर के बारे में बताया जाता है कि हामागुशी का घर कैसे कैसे था. सो हामागुशीज बिग फेस्ट फार्म हाउस स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेट्यू ओवर लुकिंग अवे. द प्लेट्यू मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर वॉज हर्म्ड इन ऑन द साइट्स बाई थिकी वुडेड समिट्स. जो हामागुशी का बड़ा घर था, फेस्ट का मतलब है घर की जो मतलब देखिए जापान में क्योंकि अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं तो उन्हें उस तरीके से ही बनाया जाता है जिससे कि अगर टूट भी जाए घर तो उन्हें जल्दी से रिबिल्ड कर लिया जाए इन अ वेरी फ्यू फ्रैक्शन ऑफ टाइम, है ना. तो इसलिए वहाँ के लोग के जो घर होते थे पहली बात बहुत स्ट्रांग होते थे जो टूटे ही ना, और दूसरी बात वो या तो इतने वीक होते थे जो टूट जाए तो वो दोबारा एकदम से बन जाए. तो हामागुशी का घर जो था वो कुछ इस तरीके ही था. एक घर था, इस घर को मैं बताता हूँ आपको. सपोज दिस इज द होम, ओके, और ऊपर जो है वो स्ट्रॉ से इस तरीके से ढका हुआ था, समझ पा रहे हैं, जिसे कहते हैं ना छप्पर सा होता है, इज़न्ट इट, इस तरीके से. आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट. इस तरीके से उनका घर था. दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर आपने हिंदी में सुना होगा इसे छप्पर कहते हैं, ठीक है. छप्पर कहते हैं इसे, ओके. स्ट्रॉ से बना होता है घर के ऊपर. तो ऐसा ही यहाँ पे घर बताया जा रहा है. इट वॉज अ बिग फेस्ट, मतलब एक बहुत बड़ा सा घर था जिसमें जो रूफ थी वो स्ट्रॉ से बनी थी, ओके. नाउ यप, बिग फेस्ट फार्म हाउस स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेट्यू. मतलब उनका जो फार्म हाउस था, ओके, वो बिल्कुल साइड में था. वर्ज का मतलब होता है बिल्कुल साइड में, ओके, उस छोटे से प्लेट्यू जहाँ पे वो रहते थे,
ओके उसके साइड में था. द प्लेटी मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर वॉज हेम्ड इन ऑन थ्री साइड्स ऑफ थिकी वुडेड समिट. और जो प्लेटी था उनका वो तीन तरफ से घिरा हुआ था किससे, धान की खेती से. ठीक है, इट वॉज हर्म्ड, हर्म्ड का मतलब है तीनों साइड से बड़ी बड़ी लकड़ियों से वो घिरा हुआ था. फ्रॉम इट्स आउटर वर्स द लैंड स्लोप डाउन इन अ ह्यूज ग्रीन कॉनकेविटी. और बाहर की तरफ आउटर साइड से जो लैंड है वो नीचे की तरफ स्लोप डाउन कर दी थी इन ग्रीन कॉनकेविटी. ग्रीन कॉनकेविटी मैं बता देता हूँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से ग्रीन कॉनकेविटी थी जहाँ पर खेती थी वो होती थी, इसन्ट इट, ये घास जमी होती है. ओके नेक्स्ट, एज इफ स्कूप्ड, एज इट स्कूप्ड आउट टू द एज ऑफ द वॉटर एंड द होल ऑफ इट्स स्लोप वॉज थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ माइल लॉन्ग. और उनका जो स्कूप था, स्कूप कहते हैं इस तरीके से जैसे हम लोग गड्ढा निकलते थे, तो जो स्कूप था ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉनकेविटी स्कूप आउट हो चुकी है. ओके, टू द एज ऑफ द वॉटर एंड द होल ऑफ इट्स स्लोप सम थ्री क्वार्टर्स ऑफ माइल लॉन्ग वॉज, मतलब वॉटर के लिए देयर वॉज अ ह्यूज लाइक वॉटर कलेक्शन ओवर देयर. ओके, एंड द होल ऑफ द स्लोप सम थ्री क्वार्टर्स ऑफ अ माइल लॉन्ग वॉज सो टेरेस एज टू लुक. और वो थ्री माइल्स जो था उसमें सब में टेरेस्ड था. टेरेस्ड एक फार्मिंग होती है, ये हिली एरियाज भी की जाती है. ठीक है, तो क्या करते हैं हिली एरियाज में जो लोग हैं, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, तो वो यहाँ पर, अब देखेंगे एक बार ध्यान से, यहाँ पर खोद देते हैं बेसिकली आप कह सकते हैं. यहाँ पर मिट्टी से मिट्टी मतलब इतना खोदते हैं कि देयर इज़ अ सैंड. ओके, जो मिट्टी है वो यहाँ पर आ जाए. ओके, और फिर इन्हीं मिट्टियों में वो लोग क्या करते हैं, घास को या जो भी क्रॉप होती है बेसिकली उसे को उगाते हैं. क्योंकि लोग देखिए पहाड़ों पर रहते हैं, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हमेशा वो रोज खाना लेने के लिए नीचे जाएँ, इज़न्ट इट, नीचे जाकर फिर खाना लेकर फिर ऊपर आए, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहाड़ के पास ही खेती करनी शुरू कर दी जिससे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो पहाड़ के पहाड़ ही ले सकें. ओके, मतलब पहाड़ से ही खाना ले सकें अपना. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द ओपन सी लाइक एन इनॉर्मस फ्लाइट ऑफ ग्रीन, लाइक एन इनॉर्मस फ्लाइट ऑफ ग्रीन स्टेप्स डिवाइडेड इन सेंटर ऑफ बाय अ नैरो white zigzag, a streak of mountain road, 19 thrust dwellings and a Shinto temple. अब यहाँ पे बताते हैं that यहाँ पे 19 घर थे, कितने 90 घर थे और एक Shinto temple था, एक उनका temple था जहाँ पे वो लोग last में जाते हैं, isn't it? Composing the blaze proper, इससे पूरा blaze बन रहा था, stood alone the curve of a way and other house climbed straggly up to the slope for some distance on either side of the narrow road leading to the Choza's house. अब यहाँ पे चोजा मतलब जो हामागुशी है उनका घर बताया जाता है कि वो कहाँ पर है. जो मैंने आपको अभी टेरिस बताया था ना, उस टेरिस से ही एक बहुत इरेगुलर स्ट्रीक का मतलब इरेगुलर लाइन जाती है माउंटेन रोड के लिए, जिसमें 19 घर हैं और एक शिंटो टेम्पल है. ठीक है, जिससे पूरा गाँव जो है वो बना हुआ है. ओके, एंड ये सारी चीज़ें जो खाड़ी है उसके बीच में, उसके साइड में, उसके कर्म में खड़ी हुई हैं. और जो दूसरे घर हैं, ओके, द एंड द अदर हाउस क्लाइम्ब स्ट्रैंगली अप द स्लोप फॉर सम डिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द नैरो रोड. और कुछ घर जो हैं वो स्लोप से पीछे जाते हैं कुछ डिस्टेंस पर, ओके, दोनों साइड के. और वहीं पर क्या है, चोजा का घर है, वहीं पर हामागुशी का घर है. वन ऑटम इवनिंग, Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some preparation of a merry making in the blaze below. Now, एक autumn की बात है, autumn is a season. Hamaguchi अपनी balcony से देख रहे थे कि merry की preparation क्या चली. merry एक festival है, वहाँ पर festival मनाया जाता है शायद खेत का या गाँव में, जैसे हमारा बसंत पंचमी नहीं होता है ऐसा ही आप समझ लीजिए एक Japanese festival है. ओके, जिसमें घरों को और जगहों को बहुत सजाया जाता है. ठीक है, तो ये डिबोट है, डिबोटेड किसके लिए है, फील्ड्स के लिए, जो ग्रीन फील्ड्स हैं, क्रॉप्स हैं उनके लिए डिबोटेड है ये फेस्टिवल.
तो एक ऑटम में हम उसी देख रहे होते हैं कि जो बालकनी है अपनी बालकनी से घर की, कि देर इज़ अ वेरी ह्यूज प्रिपरेशन इन द विलेज। विलेज में बहुत प्रिपरेशन हो रही है मैरी के लिए, क्योंकि मैरी को बनाने के लिए, मतलब फेस्टिवल को बनाने के लिए। दे हैड बीन अ वेरी फाइन क्रॉप, राइस क्रॉप, एंड द पीजेंट वर गोइंग टू सेलिब्रेट द हार्वेस्ट बाई अ डांस इन द कोर्ट ऑफ उजीगामी। ना अब वो देखते हैं कि बहुत सारी जो फाइन राइस क्रॉप्स हैं उन्हें लेकर जो पीजेंट्स हैं वो अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल को, अपने हार्वेस्ट के फेस्टिवल को मनाने जा रहे हैं डांस करते करते। किस में डांस कर रहे हैं? दे आर डांसिंग इन देयर अटायर, जिसे क्या कह रहे हैं, उजीगामी। ठीक है, उजीगामी इनकी वो आप कह सकते हैं पहनावा है जो वो फेस्टिवल के दिन पहनते हैं। द ओल्ड मैन कुड सी द फेस्टिवल बैनर्स, दैट इज नोवोरी, मतलब वो नोवोरीज को देख सकते थे। नोवोरी का मतलब होता है बैनर्स, लगे होते हैं ना बैनर्स, जैसे आपने देखा होगा कोई भी सेलिब्रेशन होता है, देयर इज अ ह्यूज रिबन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें लिखा होता है ना, वही यहाँ पर बात की गई है बैनर। ठीक है, तो वो बैनर जो है वो फ्लटर कर रहा था रूप में से। ओके, इट वॉज फ्लटरिंग अबव द रूप्स ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट एंड स्ट्रेन्स ऑफ पेपर लैंटर्न फेस्टिवल बिटवीन द बैम्बू बोर्ड्स। नाउ जो रूप्स है उसमें सीधा जो स्ट्रीट है उस पर फ्लटर कर रहा था अकेला। ओके, वो जो नोवोरी है, और वहाँ पर झालर लगी हुई थी बैम्बू पोल्स पर, जो बैम्बू के स्टिक्स हैं उन पर झालर लगी हुई थी, उन झालरों में क्या हो रहा था, लैंटेन जो है, जो लैंटेन है वो लगी हुई थी। ओके, नेक्स्ट, एंड डेकोरेशंस ऑफ श्रीन एंड द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग ऑफ द यंग पीपल। और वहाँ पर देयर वाज अ गैदरिंग, मतलब यंग पीपल की, ओल्ड पीपल की गैदरिंग थी वहाँ पर। ही हैड नोबडी विद हिम दैट इवनिंग बट हिज लिटिल ग्रैंडसन अ लैड ऑफ 10, द रेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज। नाउ अब यहाँ पे हामागुशी जो हैं वो अकेले थे। ओके, आप एक बार ऐसे देखिए जो मैं थ्रेस्ट घर बता रहा था वो इस तरीके से देखिए, ये थ्रेस्ट घर है, मैं भूल गया था आपको बताना। ओके, एंड दिस इज शिंटो टेम्पल। ओके, इस तरीके का शिंटो टेम्पल होता है, आप देख सकते हैं जापान में कुछ शिंटो टेम्पल इस तरीके से मिलेंगे आपको। ओके, इन्हें देख लीजिए, दिस इज योर हाउस, चूँकि थ्रेस्ट हाउस होते थे, फेस्टिवलिंग्स होती थी। ओके, इस तरीके से बनाए जाते थे जापान में, और दिस इज शिंटो टेम्पल। ये शिंटो टेम्पल है जहाँ पे जापानीज अपने गॉड की प्रेयर करती है। ऐसा कहा जाता है जो हमारे गॉड है जापानीज के गॉड है वो सिमिलर है। ओके, नेम चेंज है बस। नाउ जो ओल्ड मैन है वो अपनी छत से ही देख रहा था सब कुछ। ओके, यंग पीपल को देख रहा था, और हामागुशी के पास कोई नहीं था, सिर्फ उनका एक ग्रैंडसन था, उनका एक पोता था जो कि 10 साल का था। ठीक है, और बाकी सारे लोग कहाँ चले गए थे, विलेज से चले गए थे फेस्टिवल मनाने के। ही वुड हैव अकम्पनीड दैम हैड ही नॉट बीन फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग देन यूजुअल। मतलब जो हामागुशी है उसने कंपनी की, मतलब सॉरी, जो बच्चा है हामागुशी का पोता, उसने हामागुशी के संग मतलब रहा क्योंकि वो बीमार था, वो सही फील नहीं कर रहा था, ही वॉज फीलिंग लिटिल लाइक सिक, इसलिए वो भी नहीं गया फेस्टिवल, वो अपने दादाजी के संग रुका। द डे हैड बीन ऑप्रेसिव एंड इन स्पाइट ऑफ राइजिंग ब्रीज इट वॉज स्टिल इन द एयर। द शॉर्ट ऑफ हैवी हीट विच अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जापानी पीजेंट एट सर्टेन सीजन्स प्रिसीड्स एन अर्थक्वेक। नाउ अब यहाँ पे वेदर की बात की गई है, जो वेदर है वो थोड़ा सा ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव का मतलब होता है अनकम्फर्टेबल था। ओके, क्योंकि हमेशा हवा चलती रहती थी, बट आज का जो वेदर था बिल्कुल शांत था, कोई हवा नहीं चल रही थी, बिल्कुल जो हवा है वो शांत हो चुकी थी, और वहाँ पर बहुत गर्मी थी। ओके, एक हीट थी, और अकॉर्डिंग टू दीज पीजेंट्स, इन पीजेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें पता चल गया था कि शायद अर्थक्वेक आने वाला है। ओके, उनके उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन्हें पता चल गया था कि अर्थक्वेक स्ट्राइक करने वाला है। एंड पीजेंटली एंड अर्थक्वेक केम, और अचानक से अर्थक्वेक आ गया। ओके, अचानक से देयर इज अ अर्थक्वेक। इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ
to frighten anybody but Hamaguchi, who had felt hundreds of shake in his time, though he was. मतलब इतना तकड़ा नहीं था, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि लोगों को क्या कर सके, डरा सके. बट जो Hamaguchi हैं, who had felt hundreds of shocks in his time, जिन्होंने हज़ारों हज़ारों अर्थक्वेक्स को देखा है, उन्हें एक्सपीरियंस किया है, ओके, थ्रू इट वॉज क्वेर अ लॉन्ग स्लो स्पॉनी मोशन, स्पॉन्जी मोशन. मतलब जो Hamaguchi को बहुत स्ट्रेंज लगा, अ लॉन्ग स्लो स्पॉन्जी मोशन, मतलब हल्के से आया और बहुत हल्के तरीके से शेक हुआ. मतलब आप खुद ही सोचिए, जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो एकदम बहुत तेज आते हैं और तुरंत आके वो जाते नहीं हैं, मतलब दो तीन उनके जो शेक्स हैं वो आते हैं लगातार. आपने कभी भी भूकंप को एक बार आते नहीं देखा होगा, वन शॉट में वो कभी नहीं आता है, ठीक है, वो एक बार आएगा फिर थोड़ी देर बाद फिर से आएगा, isn't it? बट यहाँ पर एक ही बार एक स्लो स्पॉन्जी मोशन हुआ था, सिर्फ एक ही बार, ओके, जो कि लॉन्ग था. जो अर्थक्वेक्स होते हैं वो लॉन्ग नहीं होते, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं पर आते बार बार, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक रहती है भूकंप की. बट यहाँ पर जो भूकंप है वो लंबा चला था, थोड़ी देर तक रहा था, बट वो एक ही बार आया. प्रॉबली इट वॉज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन वेरी फार अवे. मतलब हो सकता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही उस सिस्मिक का मतलब होता है अर्थक्वेक, ओके, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो कहीं दूर, ओके, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन दिखाओ. द हाउस क्रैकल्ड एंड रॉक्ड जेंटली सेवरल टाइम, देन ऑल बिकम स्टिल अगेन. मतलब थोड़े से जमीन और जो घर है वो थोड़े से हिले और फिर दोबारा सब ठीक हो गया. एज द क्वेकिंग सीज्ड, और जैसे ही जो हिलना रुलना है वो कम हुआ, Hamaguchi's keen old eyes were inexorably turned towards the village. मतलब Hamaguchi की जो छोटी छोटी बूढ़ी आंखें हैं उसने विलेज की तरफ देखा. It often happens that the attention of a person gazing fixedly at a particular spot or object is suddenly diverted by the sense of something not knowingly seen at all by a mere verse feeling of the unfamiliar in that dim outer circle of unconscious perception which lies beyond the field of clear vision. मतलब अब Hamaguchi ने क्या देखा, उन्होंने सामने अपने आंखें गड़ा ली और देखते रहे विलेज की तरफ, उन्हें कुछ आने का एक बहुत अजीब सा एहसास हो रहा था, ओके, बहुत अजीब सा उन्हें एहसास होने लगा था. उनकी आंखें एक तरफ गड़ी हुई थी, फिर उनका ध्यान उल्टा कुछ अजीब सा हुआ जब, ओके, जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि कुछ अजीब सा ही हो रहा है, ओके, कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो उनकी आंखें जो उनका ध्यान है वो टूटा, ओके, एंड बाय अ मेयर बर्स, मतलब एक बहुत डाउट से, एक डाउटफुल कंडीशन में उन्होंने जो शाम का समय था उसे बहुत अनफेमिलियर, मतलब बहुत अजीब उन्हें लगा, ओके, आउटर सर्कल ऑफ अनकॉन्शियस परसेप्शन विच लाइज बियॉन्ड द फील्ड ऑफ क्लियर विजन, दस इट चेंज दैट Hamaguchi बिकम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल इन द शोर. फिर उन्होंने क्या देखा शाम के वक्त, कि जो शोर्स हैं जो किनारे हैं उन पर कुछ अजीब घटना, कुछ डिफरेंट घटना हो रही है, ओके. ही रोज टू हिज फीट एंड लुकिंग एट द सी, He had darkened quite suddenly and it was acting strangely. और उन्होंने जब देखा सी की तरफ तो पूरा जो आसमान है वो डार्क हो चुका था, जो आसमान है वो डार्क हो चुका था, एंड ये बहुत अजीब घटना थी, ये बहुत स्ट्रेंज घटना थी Hamaguchi के लिए. इट सीम टू बी मूविंग अगेंस्ट द विंड, इट वॉज रनिंग अवे फ्रॉम द लैंड. और जब उन्होंने पानी की तरफ देखा तो पानी जो है वो भी बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, वो लैंड से पीछे बढ़ रहा था, जैसे मैंने कहा ना पीछे आता है पानी, तो वो वैसा ही हो रहा था, पीछे आ रहा था पानी, ओके, जैसे एक होता है पानी आगे जाता है पीछे आता है, पर वो जो पानी है वो एक साथ पीछे जा रहा था. Within a very little time, the whole village had noticed the phenomenon. Apparently, no one had felt the previous motion of the ground, but all were evenly astonished by the movement of the water. मतलब बहुत कम समय में सारे villagers ने इस phenomenon को देखा. हालांकि वो जो earthquake आया था इससे पहले उसको notice नहीं कर पाए थे, but सारे गांव वालों ने इस phenomenon को, जो पानी है ये पीछे जा रहा है, इस phenomenon को बहुत ध्यान से notice किया, okay? And
They were running to the beach and even beyond the beach to watch it. No such ebb had been witnessed on the coast within the memory of living man. मतलब फिर वो सब भागे सी की तरफ और सी से उधर भी गए. मतलब जो सी था, जो ओशन था, क्योंकि वो खाली हो चुका था, हो चुका था, सारा पानी पीछे चला गया था, तो वो सारे सी में चले गए और सी के तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा फिनोमेना, कभी भी ऐसी चीज़ नहीं देखी. ओके, कभी भी ऐसी चीज़ उन्होंने आज से पहले नहीं देखी. ऐप, ऐप का मतलब क्या होता है भाई? पानी आगे आता है तो पानी पीछे जाना. ओके, पानी का पीछे जाना. तो इस पानी के पीछे जाने को उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा अपनी मेमोरी में, जहाँ तक उन्हें याद है. थिंग्स नेवर सीन बिफोर वर मेकिंग एपरिशंस. अनफेमिलियर स्पेसिस ऑफ रिप्ड सैंड एंड रीचेस ऑफ वीड हंग रॉक वर लेफ्ट बियर इवन एज हामागुशी गेज्ड. और जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, ओके, वो ऐसा लग रहा था जैसे एपरिशंस. एपरिशन मतलब क्या होता है? प्रेत, है ना, हमने मैकबेथ में पढ़ा है. तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था क्योंकि शायद कोई प्रेत या कोई भूत वगैरह वहाँ पर आ चुका है, कुछ लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है. ओके, और जो सैंड है, रिप्ड सैंड, रिप्ड सैंड का मतलब क्या होता है? देखो, रिप्ड सैंड जैसे कि आपको मैं समझाऊँ, काफ़ी ज़्यादा जैसे वेव्स होते हैं, उनके निशान बने हुए हैं सैंड पर, काफ़ी ज़्यादा वेव्स के निशान बने हुए, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्ड सैंड. ओके, सो देयर इज अ रिप्ड सैंड. ओके, एंड रिप्ड सैंड एंड रीचेस ऑफ वीड्स हंग रॉक वर लेफ्ट बियर इवन एज हामागुशी गेज्ड. और हामागुशी ने जब देखा तो सिर्फ जो पेड़ है, सिर्फ जो रॉक्स थी, ओके, उन पर पानी के अलावा सिर्फ पेड़ थे. ओके, सिर्फ वीड्स लगे हुए थे. एंड नो, नॉन ऑफ द पीपल बिलो appeared to guess what that monstrous ऐप signifies. और किन्हीं ने ये नोटिस नहीं किया कि उस बड़ी सी ऐप जो पीछे गई है, बहुत बड़ी सी पानी जो पीछे गया है, उसका क्या मतलब है? किसी ने ये नोटिस नहीं किया. Then, and Hamaguchi Gohei himself had never seen such a thing before, but he remembered thing told to him in his childhood by his father's father, and he knew all the traditions of the coast. मतलब Hamaguchi ने भी आज तक ऐसी चीज कभी नहीं देखी, पर उन्हें याद आ गया जब उनके ग्रैंड ग्रैंड फादर का मतलब है फादर के फादर. ओके, तो ग्रैंड ग्रैंड फादर हैं जो उनके फादर के फादर थे, उन्होंने जब उन्होंने ऐसे ट्रेडिशन के बारे में बताया था कोस्ट के, कोस्ट में ऐसा भी होता है, तब उन्हें उस टाइम की बात याद आई. ठीक है, नेक्स्ट. ही अंडरस्टूड व्हाट द सी वाज गोइंग टू डू. परहैप्स ही थॉट ऑफ द टाइम नीडेड टू सेंड अ मैसेज टू पीपल टू द विलेज और टू गेट द प्रीस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल टू हिल द साउंड देयर बिग बेल. मतलब उन्हें समझ आ चुका था कि क्या होने वाला है, मतलब उन्हें पता चल चुका था कि क्या होने वाला है, सी क्या करने वाला है, और परहैप्स उन्हें लाइक विलेजर्स को इस टाइम पे मैसेज भेजना था कि सारे लोग यहाँ आ जाएं. ओके, पर इतना टाइम था नहीं. ओके, और ना ही इतना टाइम था कि वो विलेजर्स वो टेंपल के पास जाएं और शिंटो टेंपल के प्रीस्ट से कहें कि आप घंटे को बजा दें. इतना टाइम उन लोगों के पास नहीं था. ओके, देन बट इट वुड टेक मच वेरी मच लॉन्गर टू टेल व्हाट ही माइट हैव थॉट देन इट टुक him to think. मतलब ये बहुत लंबा समय लेगा जो मैंने सोचा है. मतलब उन्होंने पहले सोचा कि शिंटो टेम्पल में चले जाएं और बेल बजवा कर लोगों को यहाँ बुला ली, पर ये बहुत लंबा समय लेगा, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, है ना. तो उन्होंने सोचा इतना टाइम हमारे पास है नहीं. ओके, देन ही सिंपली कॉल टू हिज ग्रैंडसन बट इट वुड टेक वेरी लॉन्ग. ओके, ये हो गया था. इट सिंपली कॉल्ड टू हिज ग्रैंडसन टाडा क्विक वेरी क्विक लाइट मी अ टॉर्च. नाउ अब उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बुलाया. टाडा, टाडा इज अ जापानीज वर्ड जिसका मतलब होता है कि मुझे टॉर्च दो. ओके, वेरी क्विकली गिव मी द टॉर्च. अब वो टाडा से कहते हैं टाडा क्विक वेरी क्विक लाइट मी अ टॉर्च, मतलब जल्दी से मुझे मशाल दो. ओके, अब वो क्या करना चाह रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, आप सबको पता है क्योंकि मैंने बता रखा है. ठीक है, तो टाइम एम्स टू अ पाइन टॉर्च are kept in many coast dwellings for use on stormy nights and
ऑल्सो फॉर यूज एट सर्टेन शिंटो फेस्टिवल. मतलब देयर वाज अ टैमेस्टू. टैमेस्टू का मतलब होता है मशाल. काफ़ी ज़्यादा बैम्बूज की मशाल थी वहाँ पर, जो कि रात के समय पे उजाला करने के काम आती हैं. मतलब जब तूफानी रातें होती हैं, तूफान आया होता है, तब रात के समय उजाला करने के काम आती हैं. और जब फेस्टिवल, अभी आप सबको पता है देयर वाज अ फेस्टिवल, उस फेस्टिवल में भी लाइक मशाल को जलाया गया था. ठीक है. द चाइल्ड काइंडल्ड अ टॉर्च एट वंस एंड द ओल्ड मैन हरीड विद इट टू द फील्ड वेयर 100 राइस स्टैक रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टेड कैपिटल स्टूड अवेटिंग ट्रांसपोर्टेशन. मतलब फिर जो उनका ग्रैंडसन है उसने टॉर्च जला दी. ओके. उसने टॉर्च जला दी और फिर वो जो हामागुशियाँ हैं वो उसे कहाँ ले गए, फील्ड की तरफ ले गए. और उन्होंने देखा कि इतने सारे जो फील्ड्स हैं, जो क्रॉप्स थी उनकी, पैडी की, धान की क्रॉप थी, जो कि लाइक ट्रांसपोर्टेशन के लिए खड़ी थी, सिर्फ उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए खड़ी थी. ओके. उसमें वो क्या करते हैं, अप्रोचिंग दोज नियरेस्ट द वर्स ऑफ द स्लोप ही बिगेन टू अप्लाई द टॉर्च टू देम हरिंग फ्रॉम वन टू अनदर एज क्विक एज हिज एज्ड लिम्स कुड कैरी हिम. मतलब फिर एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मतलब किनारे से स्लोप तक, वो एक एक करके सब में आग लगाना शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी. ओके. जितना कि उनके बूढ़े हाथ पैर चल पा रहे थे उतना, उस मतलब उतनी जल्दी जल्दी वो सब एक से दूसरी तरफ सब में आग लगाना शुरू कर देते हैं. द सन ड्राइड स्टॉक कॉट लाइक टेंडर द स्ट्रेथनिंग सी ब्रीज ब्लू द बेस लैंड वॉल्ड एंड प्रेजेंटली रैंक behind rank the stacks burst into flames standing skyward column of smoke that made the mingled into one enormous cloudy world. Now ab wo kya hota hai, jo pura dhan hoti hai wo aag pakad lete hai, bahut badi blaze uthti hai. Okay. Ek sukhi lakdi ki tarah, jaise sukhi lakdi ekdam bahut jaldi jal jati hai na, bilkul aisa hi jal rahi thi. Okay. Aur ek ek karke har taraf har kone pe वो जो स्मोक है वो चला जाता है और एक बहुत बड़ा स्मोक बन जाता है, एक बहुत बड़ा धुआं बन जाता है, जो कि ऊपर जाकर बादल से मिल जाता है, बादल से मिंगल हो जाता है. ठीक है. इनटू मिंगल इनटू वन इनॉर्मस क्लाउडी विंड. मतलब जो एक बहुत बड़ा बादल था ऊपर उससे मिल जाता है. टाडा एस्टॉनिश्ड एंड टेरिफाइड वेंट आफ्टर हिज ग्रैंडफादर क्राइंग ओजीशान व्हाई ओजीशान व्हाई. अब जो टाडा है वो एकदम से क्या हो जाता है, एस्टॉनिश हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, मतलब बिल्कुल स्टंट हो जाता है और डर के मारे भागता है रोते रोते अपने दादा के पास. ओजी शान मतलब ग्रैंडफादर. क्यों ग्रैंडफादर, आपने ऐसा क्यों किया. ओके. आपने ऐसा क्यों किया. बट हामागुशी डिड नॉट आंसर. ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन. ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द 400 लाइफ्स इन पेरिल. मतलब हामागुशी ने कोई आंसर नहीं दिया. उसके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने ग्रैंडसन को एक्सप्लेन करे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे अभी सिर्फ क्या लग रहा था, 400 जो लोगों की जान है वो कहाँ है, खतरे में है. फॉर अ वाइल द चाइल्ड स्टेयर्ड वाइल्डली एट द ब्लेजिंग राइस देन बर्स्ट इनटू टीयर्स. मतलब कुछ समय तक तो जो चाइल्ड है, जो ग्रैंडसन है, वो देखता रहा. ठीक है. फिर वो रोने लगा जोर से. ओके. फिर वो बहुत जोर से रोने लगा. एंड रेन बैक टू द हाउस फीलिंग श्योर दैट हिज ग्रैंडफादर हैड गॉन मैड. और वो घर पे भाग गया ये सोचकर कि उसके ग्रैंडफादर जो है वो पागल हो चुके हैं. ओके. हामागुशी वेंट ऑन फायरिंग स्टैक आफ्टर स्टैक टिल ही हैड रीच्ड द लिमिट ऑफ द फील्ड देन ही थ्रू डाउन हिज टॉर्च एंड वेटेड द एकॉल्टाइड द एक्लाइट ऑफ द हिल टेम्पल ऑब्जर्व्ड द ब्लेज सेट द वेल बिग बेल बूमिंग एंड द पीपल रिस्पॉन्डिंग टू द डबल अपील. नाउ हामागुशी एक एक करके आग लगाते रहे जब तक कि वो एंड तक नहीं पहुंच गए अपनी राइस क्रॉप के. और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी टॉर्च को फेंक दिया. फिर वहां से शिंटो टेम्पल से जो एकोटाइल का मतलब होता है प्रीस्ट, जो प्रीस्ट थे उन्होंने देखा हिल टेम्पल पर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हामागुशी के खेत से बहुत बड़ी सी लपट उठ रही है. तब उन्होंने बहुत तेज़ से घंटा बजाया. क्या बजाया, शिंटो टेम्पल का बेल बजाया, जो कि कहाँ किस लिए काम आता था, जब भी लोगों को इकट्ठा करना होता था तब वो घंटा बजता था. तो उन्होंने घंटे को बजाया जिससे कि लोग आ सकें. और फिर
उसी तेजी से लोग आए, लोगों ने मतलब लोग भागे। हामाकुशी वॉच देम हरिंग इन फ्रंट ऑफ सैंड्स एंड ओवर द बीच एंड सैंड्स एंड ओवर द बीच एंड अप फ्रॉम द विलेज लाइक अ स्वार्मिंग ऑफ एंट्स एंड इन द एनेक्सियस आई स्केलिंग फास्टर फॉर द मूवमेंट सीम टेरिबली लॉन्ग टू हिम। मतलब फिर हामाकुशी ने देखा कि जो सैंड्स हैं, जो लोग हैं वो बहुत पूरे सेंट से, जो सेंट के पास में खड़े थे वहाँ से लोग भाग भाग कर आ रहे हैं हामाकुशी की तरफ। लाइक अ स्वार्मिंग ऑफ एंट्स, मतलब जैसे चींटियों का झुंड नहीं होता है उस झुंड की तरह लोग आ रहे हैं। एंड टू हिज एनेक्सियस आइज, और अपनी एनेक्सियस मतलब गुस्से वाली आँखों में। गुस्सा क्यों? क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उनके हामाकुशी की जो खेत है वो जल चुकी थी, और उस खेत को मतलब सिक्योर करने के लिए, उस खेत को बचाने के लिए वो जल्दी जल्दी आ रहे थे जितना भी उन पे टाइम हो रहा था। द सन वॉज गोइंग डाउन, द रिंकल बेड ऑफ द वे एंड द बास्ट चलो स्पेकल्ड स्पेन बियॉन्ड इट ले नेकेड टू द लास्ट ऑरेंज ग्लो। और सूरज ढल गया था, ओके, वो जो खाई है, जो खाड़ी है उसके नीचे चला गया था, मतलब वो छुप गया था, और छोटा सा एक ग्लो, एक ऑरेंज ग्लो दिखाई दे रहा था। एंड स्टिल द सी वॉज फ्लेम टुवर्ड्स द हॉरिजॉन, और अभी तक जो सी है वो पीछे की तरफ ही था, अभी तक वो आगे नहीं आया था, हॉरिजॉन की तरफ ही था, मतलब पीछे की तरफ ही था। रियली हाउएवर हामाकुशी डिड नॉट हैव वेरी लॉन्ग टू वेट बिफोर द फर्स्ट पार्टी ऑफ सकर अराइव्ड, अ स्कोर ऑफ एजाइल यंग पीजेंट्स। और फिर हामाकुशी ने देखा दैट सबसे पहली पार्टी, फर्स्ट पार्टी आ चुकी है, जो कि किनकी थी? यंग पीपल की थी, यंग लोगों की थी, जो हीपर होते हैं, हेल्पर होते हैं, सॉरी, सकर का मतलब जो हेल्पर लोग थे, जो यंग लोग थे वो आ चुके थे, यंग पीजेंट्स हु वांटेड टू अटैक द फायर एट वंस, जो कि फायर पर अटैक करना चाहते थे, फायर को बुझाना चाहते थे। सो जो लोग आए थे, यंग मैन, वो चाहते तो एक बार में हामाकुशी का जो घर है, सॉरी, हामाकुशी की जो फील्ड है उसे बचा सकते थे, बट उन्होंने, चोजा ने, मतलब हामाकुशी ने उन यंग लोगों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें मतलब मना कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, लेट इट बर्न, लेट्स इट कमेंड, ही कमेंडेड, लेट इट बी, आई वॉन्ट द होल म्यूरा हियर, इट इज़ अ ग्रेट डेंजर टेहेंडा। नाउ हामाकुशी कहते हैं कि इसे जलने दो बच्चों, इसको, इस फील्ड को जलने दो, मैं पूरे गांव को यहाँ चाहता हूँ। म्यूरा, म्यूरा का मतलब होता है पूरा गांव, पूरा झुंड जो होता है, कि मैं पूरे गांव को यहाँ चाहता हूँ। हमारे पास मतलब यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आया है, ओके, हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आया है। टेहेंडा, टेहेंडा इज अ जापनीज वर्ड जिसका मतलब होता है उन लोगों को, लेडम का, उन लोगों को आने दो, ठीक है। सो टेहेंडा वर्ड याद रखेंगे, अपने आंसर्स में इसे जरूर से आप पुट ऑफ करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द होल विलेज वॉज कमिंग एंड हामाकुशी काउंटेड, ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वर सून ऑन द स्पॉट एंड नॉट अ फ्यू ऑफ द मोर एक्टिव विमेन एंड गर्ल्स। मतलब जब हामाकुशी ने देखा कि सारे गांव के लोग यहाँ आ चुके हैं, तो उन्होंने काउंट किया, सारे यंग लड़के यहाँ थे, ओके, सारे आदमी यहाँ थे, और कुछ एक्टिव विमेंस जो थी और गर्ल्स थी वो अभी यहाँ नहीं आई थी, ओके, वो अभी यहाँ नहीं थी। देन केम मोस्ट ऑफ द ओल्डर फोल्क एंड मदर्स विद द बेबीज एट देयर बैक्स एंड इवन चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन कुड हेल्प टू पास वाटर एंड द एल्डर टू बी एबल टू कीप अप विद द फर्स्ट रश कुड बी सीन वेल ऑन द ऑन देयर वे अप टू स्टीप इंसेंट। नाउ कुछ एक्टिव वेमेंस आई, कुछ गर्ल्स आई, ओके, और फिर जो ओल्डर पीपल हैं, ओल्डर पीपल के फॉक हैं, उनके झुंड हैं, वो आए, ओके, कुछ मदर्स आई अपने बच्चों को पीठ पर लेते हुए, और दे ऑल वर ब्रिंकिंग द वॉटर्स, पानी ला रही थी और वो फेंक रही थी, ओके, फेंकने जा रही थी, एंड दे वर वॉकिंग टू द स्टीप एंसेंट। मतलब आप समझ पा रहे हैं स्टीप का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर ये क्या बनी थी, ये सीढ़ियाँ बनी थी, इज़न्ट इट, तो सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर आ रहे थे। अब आप सबको पता है सुनामी ऊपर तो जा नहीं सकती, इज़न्ट इट, तो ये लोग, हामाकुशी का क्या मतलब था, सब लोग ऊपर आ जाए जिससे कि बच सकें सुनामी से, ओके।
Then the growing multitude, still knowing nothing. Growing multitude. Multitude का मतलब क्या होता है भाई? The growing multitude का मतलब होता है लोग. Okay? जो बढ़ते हुए लोग थे, ऊपर चढ़ते हुए लोग थे, अभी भी उन्हें कुछ नहीं पता था और एक दूसरे की तरफ बहुत दुखी होकर, बहुत स्टंट होकर, मतलब आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे जलती हुई फील्ड को. और ये वो सारे उस चोजा के फेस पर देख रहे थे. ओके, चोजा के इम्पैसिव फेस पर देख रहे थे कि चोजा ऐसा क्यों किया, चोजा ने ऐसा क्यों किया. ओके, एंड द सन वेंट डाउन, और सूरज नीचे ढल जाता है, शाम हो जाती है. ग्रैंडफादर इज मैड. अब उनका जो टाडा होता है वो कहता है, ग्रैंडफादर इज मैड, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, सॉब्ड टाडा. इन आंसर टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ही इज मैड. He set fire to the rice on purpose. I saw him do this. मतलब अब वो कहता है कि मेरे दादाजी पागल हो चुके हैं. ओके, मेरे दादाजी पागल हो चुके हैं, मुझे उनसे डर लग रहा है. ओके, टाटा रोने लगा और इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए उन्होंने, वो कहता है ही इज़ मैड, वो पागल है. मतलब जब वो लोग पूछ रहे थे सारे लोग, आपने ऐसा क्यों किया, आपने फील्ड को क्यों चलाया, क्या रीज़न है, इतने सारे क्वेश्चंस को देख कर टाटा बोलता है, उनका ग्रैंडसन बोलता है कि जो हम लाइक मेरे ग्रैंडसन फादर हैं कि जो हामागुची हैं वो पागल हो चुके हैं. ही गॉट मैड. ओके, ही उन्होंने मतलब जानबूझकर हमारे खेत पर आग लगाई, मैंने उन्हें खुद ये करते देखा था. ओके, एज फॉर द क्राइस्ट क्राइड हामागुची, द चाइल्ड टेल्स द ट्रुथ. मतलब क्योंकि अब वो हामागुची चिल्लाते हैं, क्योंकि मैंने चावल के खेतों में आग लगाई इसलिए मैं पागल हूँ ना, है ना. देन द चाइल्ड टेल्स द ट्रुथ, अब जो बच्चा है वो पूरा सच बताता है. ओके, आई सेट फायर टू द राइस, आर ऑल द पीपल हेयर. मतलब हाँ, मैंने आग लगाई खेत में, क्या सारे लोग यहाँ हैं. द क्यूमी चाओ एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज लुक्ड अबाउट दैम and down the hill and made reply, all are here or very soon will be, we cannot understand this thing. मतलब दो विलेज के हेड हैं, कुमी चाओ कौन थे, विलेज के हेड. ओके, सो जो विलेज के हेड हैं, फैमिली के हेड हैं, उन्होंने सबको देखा. ओके, और नीचे देखा, नीचे हिल की तरफ देखा, और फिर वो कहते हैं, बोलते हैं कि सारे लोग यहाँ हैं और कुछ समय बाद सारे लोग यहाँ आ भी जाएंगे. मतलब जो लोग नहीं आए हैं वो लोग कुछ समय बाद यहाँ आ जाएंगे, पर हम इस चीज़ को समझ नहीं पाए, आपने अपनी फील्ड को आग क्यों लगाया, प्लीज़ हमें इसे समझाइए. देन कीटा शाउटेड द ओल्ड मैन एज एट द टॉप ऑफ द वॉइस पॉइंटिंग टू द ओपन, से नाउ इफ आई बी मैड. मतलब कीटा का मतलब होता है लुक. ओके, लुक, तो वो कहते हैं कि देखो, अब वो पॉइंट करते हैं सामने की तरफ, मतलब जहाँ पे वो अपने पहाड़ पे खड़े हैं, उस पहाड़ के सामने जहाँ पर सुनामी आ रही थी. ओके, जहाँ पे कुछ समय पहले जो लोग हैं वो शी शोर्स पर खड़े थे, ठीक है, उस शी शोर की तरफ वो इशारा करते हैं, पॉइंट करते हैं, देखो और बताओ अगर मैं पागल हूँ तो, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत बड़ी सुनामी आ रही थी. ओके, सो दो द टू लाइट ईस्ट वर्ल्ड ऑल लुक्ड एंड सॉ एट द एज ऑफ द डस्की हॉरिजॉन अ लॉन्ग लीन डिप लाइन लाइक द शेडोइंग ऑफ अ कोस्ट वेयर नो कोस्ट ever was a line that thickened as they gazed through Walden as a coastline Walden to the eyes of one approaching. और जब वो देखते हैं तो पूरा कोस्ट लाइन है, जो मतलब जितने बीच में समुद्र था वो पूरा फैल जाता है इधर से उधर, और बड़ी सी वेव आ रही होती है, मतलब वहाँ पर सुनामी आ रही होती है. ओके, फॉर दैट इट येट इनकम्पेरेबली मोर क्विकली. मतलब ये कंपेरेबली जितना मैंने सोचा था उससे जल्दी आ गई. वो कहते हैं कि जितना मैंने सोचा था, जितना टाइम लगाएगी, उस टाइम से ये जल्दी आ चुकी है सुनामी. फॉर दैट लॉन्ग डार्कनेस वॉज द रिटर्निंग सी टूवर्ड्स लाइक अ क्लिफ एंड कर्सिंग बो स्विफ्टली लाइक दैट काइट फ्लाइज. नाउ अब जो पीछे हटा हुआ जो सी था, जो पीछे चला गया था, आप सबको पता है वो एक लंबी सी क्लिफ, क्लिफ का मतलब था एक लंबी सी ऊंचाई, इजंट, एक लंबी सी ऊंचाई के साथ, एक लंबी सी रूफ रॉक के साथ वो टकराता है, और काई चटनी जो
पक्षी होते हैं वो सारे उड़ जाती हैं. सुनामी स्क्राइट स्ट्रीट सुनामी स्क्रीक द पीपल एंड देन ऑल स्ट्रीट एंड ऑल साउंड्स एंड ऑल पावर टू हियर साउंड्स आर एनिहिलेटेड बाय अ नेमलेस शॉक हैवियर देन एनी थंडर एज अ कोलोसल स्वेल स्मोट द शोर विद अ वेट रेसेंट शरर through all the hills and the foam burst like a blaze of sheet lightning. आप सब लोग चिल्लाते हैं कि सुनामी. आप सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं ओके. और सारे लोग देखते हैं उन नेमलेस रॉक्स जो कि इतने हैवी हैवी रॉक्स हैं ओके. उन सारे रॉक्स को रिउन होते हुए ओके. वो देखते हैं कि बड़ा सा जो एक शॉक है वो हर चीज़ को बर्बाद कर देता है ओके. और जितने भी हिल स्टेजेस पे भी सुनामी टकरा रही थी वो सारे हिल्स जो हैं वो शिवर करने लगते हैं, कांपने लगते हैं ओके. थ्रू द हिल्स एंड विद अ फॉर्म बर्स्ट लाइक अ ब्लेज ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग. और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी चमक उठती है, मतलब बिजली एकदम से वहाँ पर उठती है बहुत ज़्यादा. और देयर इज़ अ वेरी फ्री ओके स्ट्रीट शीट लाइटनिंग और वहां पर नीचे लाइटनिंग होने लगती है. देन फॉर एन इंस्टेंट नथिंग वॉज विजिबल बट द स्टॉर्म ऑफ स्प्रे रशिंग अप द स्लोप लाइक अ क्लाउड. पर कुछ समय के लिए कुछ भी वहां पर नहीं दिखा ओके. बट वहां पर देयर इज अ स्टॉर्म ऑफ स्प्रे रशिंग अप टू स्लोप लाइक अ क्लाउड. और एक लाइक अ क्लाउड एक जो स्टॉर्म है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा था क्लाउड की तरह. एंड द पीपल स्कैटर्ड बैक इन पैनिक फ्रॉम द मेयर मेनेंस ऑफ इट. और जो लोग हैं वो डर के मारे पीछे हो जाते हैं ओके. डर की वजह से पीछे हो जाते हैं फ्रॉम द मेयर मेसेंस, मतलब इसी फ्रॉम द ओनली डेंजर ऑफ इट, मतलब इसी खतरे से जो वो टोरियो एंडो टाइप आ रहा था उसके खतरे से वो लोग पीछे हो जाते हैं ओके. Next, when they looked again, they saw a white horror of sea raving over the place of their homes. It drew back, roaring and tearing out the bowels of the land as it went. और फिर वो देखते हैं कि बड़ी सी लहर, एक बहुत बड़ी सी हॉरर लहर पूरे गांव को घर, मतलब पूरे गांव के घरों को तबाह कर देती है, सबको उखाड़ देती है. और देयर इज अ साउंड कमिंग जैसे कि कोई चीज़ फट रही हो, कोई चीज़ दहाड़ रही हो, है ना. जब चीज़ों से टकराती है तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है ओके. ट्वाइस थ्राइस फाइव टाइम्स द सी स्ट्रक द एवरेट. और दो बार तीन बार पांच बार जो सी है वो बार बार पीछे जाता है फिर आगे आता है, मतलब बार बार पीछे जा रहा है फिर आगे आ रहा है ओके. And but each time with a lesser surge, पर हर समय हर बार जब वो लहर पीछे से आगे आती है तो हर बार वो कम अटैक करती है, मतलब हर बार वो कम होती जाती है. then it returns to its ancient bed and straight. और जैसे ही धीरे धीरे कम होती जाती है और कुछ थोड़ी समय बाद वो बिल्कुल शांत हो जाती है, मतलब सुनामी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है और अपने लोअर बेड जो सी का बेड होता है ना उस पर शांति, मतलब शांत हो जाती है, isn't it? Next, still raising as after the typhoon. और फिर भी इसके बाद there's a still raging as after a typhoon. और फिर भी उसकी जो लहर है वो ऐसी लग रही थी टाइफून की तरह. Okay. On a plateau for a time there was no word spoken. All stared speechlessly at the desolation beneath the ghastliness of hurled rock and naked river cliff. मतलब कुछ समय तक वहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोला गया ओके. सब शांत रहे कुछ समय तक. एंड एट द desolation beneath, और जितनी बर्बादी हुई है उसको देखकर, उसका भयानक एक चित्र देखकर बेसिकली ओके. द ghastliness मतलब बहुत स्पूकी, बहुत भयानक. ghastliness of hurled rock and naked river cliff. The bewilderment of scooping up the deep sea rack and shingle shot over the empty side of dwelling and temple. मतलब जो उन्होंने देखा कि जो तबाही है, जो तबाही हुई है, जो ghastliness of hurled rock, मतलब जितने भी जो
सुनामी आई थी वो उसने सारे समुद्र के जो रॉक हैं उनको पीछे हटा दिया, उन्हें तोड़ दिया. एंड सिंगल शॉट एंड देयर इज अ क्रैकलिंग शॉट, मतलब सारी चट्टानों को तोड़ दिया, ड्वेलिंग घरों को तोड़ दिया और मंदिरों को भी तोड़ दिया. द विलेज वॉज नॉट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द फील्ड, वर नॉट इवन द टेरेस्ट हैड ट्रीज टू एग्जिस्ट. और जो विलेज था वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं था किसका, इस फील्ड का जो विलेज है वो ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं था, इजंट इट. एंड इवन द टेरेस्ट हैड सीज टू एग्जिस्ट. और जो टेरेस था, ओके, जो टेरेसेस थे, जो वो लाइन मैंने आपको बताई थी, ओके, वो भी सब बिगड़ जाती हैं ड्यू टू सुनामी. एंड ऑफ ऑल द होम्स दैट हैड बीन अबाउट द वे दे रिमाइंड नथिंग रिकोगनाइजेबल एक्सेप्ट टू स्टॉफ रूफ टॉसिंग मैडली इन द ऑफरिंग. और जितने भी घर थे, ओके, वो सारे बिखर जाते हैं, सिर्फ उनमें क्या बसती हैं, स्ट्रॉस. जो स्ट्रॉज होते हैं सिर्फ वही बसते हैं, ओके. दे वॉज जस्ट स्ट्रॉज, दे वर टॉसिंग, वो कूद रहे थे पानी में, ओके. द आफ्टर टेरर ऑफ द डैट स्केप्ड एंड द स्टूफेक्शन ऑब्जर्विंग जेंटली स्टूफेक्शन ऑफ द जनरल लॉस कैप्ट ऑल लिप्स डम अंटिल द वॉइस ऑफ हामाबुशी वॉज हर्ड अगेन ऑब्जर्विंग जेंटली. मतलब जब इतना बड़ा लॉस देख कर सबकी आंखें जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, मतलब सबके लिप्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, इतना बड़ा लॉस देख कर. ऑब्वियसली देयर वाज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस डिजास्टर्स, बहुत बड़ा लॉस होता है, ओके. तो उन्हें बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं झटका लगा था, शॉक लगा था, ओके. और कोई भी कुछ नहीं बोलता है, फिर सिर्फ एक हामागुशी की आवाज़ आती है. एंड ही सेड वेरी जेंटली दैट वॉज वाई आई सेट फायर टू द राइस, और यही कारण था मैंने अपने खेत को आग लगाई थी जिससे कि मैं तुम लोगों को बचा सकूं. ही देयर चोजन नाउ स्टूड अमंग देम अलोन एज पुअर एज द पुअरेस्ट फॉर हिज वेल्थ वॉज गॉन बट ही हैड सेव्ड 400 लाइव्स बाय द सेक्रीफाइस. अब वहां पर चोजा का मतलब क्या होता है, जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, राइट. अब चोजा जो है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा था, सबसे पुअरेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा गरीब, क्योंकि उसने अपने जितने भी पैसे की सोर्स थी उस पर आग लगा दी थी. तो चोजा अब सबसे गरीब खड़ा था वहाँ पर, ओके. ही वॉज द पुअरेस्ट, जो हामागुशी थी वो सबसे पुअरेस्ट खड़े थे, बट क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वेल्दीस्ट भी थे, सबसे ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोग 400 लोगों की लाइफ बचाई थी, ओके, अपने सेक्रीफाइस. दैट्स वाई द थिंग इज सेक्रीफिकेशन हियर. सेक्रीफाइस उन्होंने किया था, और जो सेक्रीफाइस से उन्होंने 400 लोगों की जान बचाई, इसलिए वो पुअर नहीं सबसे ज़्यादा अमीर है, ओके. मैन लिटिल टाटा रेंट टू हिम एंड कॉट हिज हैंड एंड आस्क फॉरगिवनेस ऑफ हैविंग सच नॉटी थिंग्स. अब उनका ग्रैंडसन आता है टाटा, और वो उनका हाथ पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है, ओके. जितना भी उन्होंने गलत शब्द बोला था उसने अपने दादा के लिए, उसके लिए वो माफ़ी मांगता है. वेयर अपॉन द पीपल वोक अप टू द नॉलेज ऑफ द वाई दे वर अलाइव एंड बिगेन टू वंडर ऑफ द सिंपल अनसेल्फिश फोरसाइट ऑफ हैड शेप्ड देम. और पीपल जो है वो बंडर हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई इतना सिंपल इतना अनसेल्फिश कैसे हो सकता है कि उसने अपने, मतलब हम लोगों के लिए, हम लोगों की जान बचाने के लिए अपने ही खेत का क्या कर दिया, अंत कर दिया, इजंट इट. सो कोई इतना कैसे हो सकता है. फोरसाइट दैट हैड सेव्ड देम, मतलब उनकी जो आँखें थी वो हामागुशी को ही देख रही थी कि उन्होंने कैसे हम सबको बचा लिया, ओके. देन देन द ओल्ड मैन वेब अ लिटिल पार्शली बिकॉज ही वॉज हैप्पी एंड पार्शली बिकेम बिकॉज ही वॉज एजेड एंड वीक एंड हैड बीन सोरली टायर्ड. माई हाउस रिमेन्स ही सैड एज सून एज अ क्लाउड एज सून एज ही कुड फाइंड वर्ड्स ऑटोमेटिकली क्रीजेस टाटा'स ब्राउन चीक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर मैनी. मतलब जो ओल्ड मैन है वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं, ओके. वो रोने लगते हैं क्यों, क्योंकि अब वो मतलब खुश भी थे और वो थोड़ा रो भी रहे थे क्योंकि वो थोड़े से वीक हो गए थे, इसलिए शायद,
ओके, और वो जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं माय हाउस रिमेन्स, मतलब मेरा घर बच गया। उसका घर कौन था? ये सारे लोग, ये सारे 400 लोग उसके घर थे। ओके, ही सेड एज सून एज ही कुड फाइंड वर्ड्स ऑटोमेटिकली सीज टारास ब्राउन चीक्स एंड देयर इज रूम फॉर मेनी। और इतना ही जितना उन्होंने बोला था, जैसे ही उनको बोला, टाडा अपने आप, टाडा ने टाडास ब्राउन चीक एंड देयर इज रूम फॉर मेनी, इतनी देर में टाडा बोलता है कि हमारे पास एक कमरा है कि जिसमें काफ़ी लोगों के लिए जगह है, आप लोग उधर रुक सकते हैं। ऑल्सो द टेम्पल ऑन द हिल स्टैंड्स एंड देयर इज अ शेल्टर देयर फॉर द अदर्स, और जो लोग बच गए हैं उनके लिए वो आगे शिंटो टेम्पल है, आप उधर जाके शरण ले सकते हैं। देन ही लेट द वे टू हिज हाउस एंड द पीपल क्राइड एंड शाउटेड, और फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं, हाँ मगुशी और उसका बेटा, उसका ग्रैंडसन, और लोग रोते हैं और चिल्लाते हैं खुशी से कि हमारी जान बच गई। द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग, द पीरियड ऑफ डिस्ट्रेस वॉज लॉन्ग बिकॉज इन दोज डे देर वॉज नो मीन्स ऑफ क्विक कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड द हेल्प नीडेड हैड टू बी सेंड फ्रॉम फार अवे, मतलब दो डिस्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस का पीरियड था वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट नहीं था जिससे कि वो लोग बता सकें कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत टाइम चाहिए किसी को हेल्प भेजने के लिए। बट व्हेन बेटर टाइम कम द पीपल डिड नॉट फॉरगेट देयर डेब्ट टू हामागुशी गुहा, पर जब सही समय आया, जब सब लोग ठीक हो गए, सारा कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने जो ऋण था हामागुशी का वो मतलब उसे नहीं भूले, मतलब उनका जो बलिदान था हामागुशी का वो उसे नहीं भूले। दे कुड नॉट मेक हिम रिच, नॉट वुड हैव ही हैड सफर्ड them to do so, even had he been possible, it been possible, मतलब उन्होंने हामागुशी को रिच नहीं बनाया, मतलब अब वो लोग जो लोग थे वो हामागुशी को दोबारा रिच तो नहीं बना सकते थे। ओके, नॉट वुड ही हैव सफर्ड them टू डू सो, और ना ही इवन हैड बीन पॉसिबल, और ना ही वो लोग मतलब उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, उनके खेत को वापस कर सकते हैं। मोर ओवर गिफ्ट्स कुड नॉट नेवर बी हैव सफिशियंट एज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर रिवेंशियल फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम, मतलब गिफ्ट्स जो गिफ्ट्स हैं वो सफिशियंट, वो इनफ नहीं है अपनी रिवेंशियल का मतलब होता है अपनी रिस्पेक्ट, अपने ऑनर को दिखाने के लिए टुवर्ड्स हामागुशी, वो इनफ नहीं है। ओके, फॉर दे बिलीव दैट द गोस्ट विद इन हिम वॉज डिवाइन, अब उनके अंदर बिलीव आ गया था कि जो हामागुशी के अंदर जो गोस्ट है वो गोस्ट नहीं, वो एक डिवाइन पावर है, एक ईश्वर की शक्ति है। सो दे डिक्लेयर हिम अ गॉड एंड देयर आफ्टर कॉल्ड हिम हामागुशी डेमियोज़िन, और तभी से उन लोगों ने हामागुशी को गॉड की तरह मानना शुरू कर दिया, और उन्हें क्या कहने लगे, हामागुशी डेमियोज़िन, थिंकिंग दे कुड गिव हिम नो ग्रेटर ऑनर एंड ट्रूली नो ग्रेटर ऑनर इन आर कंट्री कुड बी गिवन टू मॉर्टल मैन, और उन्हें मतलब लग रहा था कि इससे ज़्यादा ग्रेट ऑनर, इससे ज़्यादा ग्रेट टाइटल उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। एक जीते जाते इंसान को आप एक गॉड बना रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, राइट, तो इससे ज़्यादा ग्रेट टाइटल कोई हो ही नहीं सकता था हामागुशी के लिए। एंड व्हेन दे रिबिल्ट द विलेज दे बिल्ट अ टेम्पल टू द स्पिरिट ऑफ हिम एंड फिक्स्ड अबव द फ्रंट इन ऑफ इट्स टैबलेट बियरिंग हिज नेम इन चाइनीज टेक्स्ट ऑफ गोल्ड एंड दे वर्शिप हिम देयर विद प्रेयर्स एंड विद ऑफरिंग्स, और जब उन्होंने दोबारा घर बनाया, दोबारा विलेज बनाया, तो उन्होंने हामागुशी का एक टेम्पल भी बनाया जिसका जो फ्रंट जो आप कह सकते टाइटल था वो गोल्डन शब्दों से, गोल्ड के शब्दों से लिखवाया था। ओके, उसका नाम, एंड फिर वो लोग पूजा करने लगे थे हामागुशी की एज अ गॉड। पर आप कुछ सोच रहे हैं, एक गॉड हम जी रहे हैं, हामागुशी अभी भी अलाइव है स्टोरी में, और एक तरफ उनकी आप पूजा कर रहे हैं, दैट्स आयरनिकल, दैट्स आयरनी, राइट, दैट्स वाई द टाइटल इज अ लिविंग गॉड। कि अब आई होप आपको टाइटल समझ आया होगा इसका।
हाउ ही फेल्ट अबाउट इट आई कैन नॉट से, मतलब उन्हें कैसा लगता होगा मैं नहीं पता। अब पोइट कहते हैं, जो ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता उन्हें कैसा लगता होगा। एक तरफ तो वो जी रहे हैं, एक तरफ वो अपनी पूजा करते हुए देख रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी कैसी फीलिंग होती होंगी। आई नो ओनली दैट ही कंटिन्यू टू लिव इन हिज ओल्ड ट्रैश होम अपॉन द हिल विद हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रन्स चिल्ड्रन जस्ट एज हम्बली एंड सिंपली एज बिफोर बाय हिज सोल वाज बीइंग वर्शिप्ड इन द श्राइन बिलो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हाँ वो गुशी अभी भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे पहले रहते थे, एक पुराने से घर में, एक थ्रेस्ट हाउस में, मतलब एक झोपड़ी में अपने बच्चों के संग, जैसे वो पहले खुशी खुशी रहते थे, आज भी वो वैसे ही रह रहे हैं। ओके, इन श्राइन बिलो जो कि टेम्पल के नीचे है। 100 years एंड मोर देन मोर ही हैज़ बीन डेड बट हिज टेम्पल दे टेल हिम still stand and the people still pray to the ghost of the good old farmer to help him in time of fear or trouble. और अभी भी ओके उनके मरने के, हामागुशी के मरने के 100 साल बाद भी जो लोग हैं वो अभी भी हामागुशी के मंदिर में आते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे करेज, उनसे फियर और ट्रबल की कंडीशन में लड़ने की शक्ति मांगते हैं। ओके, यहीं पर आपकी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ और दिया है जिसमें जो एक जापानीज एक मतलब जो ये पोइट हैं ओके जो ऑथर हैं वो जापानीज फिलोसोफर से पूछते हैं। ओके, तो मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, वो सिर्फ एक आप कह सकते हैं उनके जो पोइट ऑथर हैं उनके जापानीज फ्रेंड हैं, जापानीज फिलोसोफर फ्रेंड हैं जिसके बारे में जिनसे वो बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो बोलते हैं, आई आस्क्ड अ जापानीज फिलोसोफर एंड फ्रेंड टू एक्सप्लेन टू मी हाउ द पीजेंट्स कुड रैशनली इमेजिन द स्पिरिट ऑफ हामागुशी इन वन प्लेस वाइल हिज लिविंग बॉडी वॉज इन अनदर। मतलब अब जो ऑथर हैं वो अपने जापानीज फिलोसोफर फ्रेंड से पूछते हैं कि जो लोग हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो कैसे मतलब इमेजिन करते हैं रैशनली, मतलब पावरफुली कैसे इमेजिन करते हैं हामागुशी की लाइक स्प्रिट को मंदिर में, क्योंकि वो तो अभी भी जीते हैं, जिए हैं, मतलब इन वन प्लेस वाइल हिज लिविंग बॉडी वॉज इन अनदर। मतलब क्योंकि उनकी लिविंग बॉडी है, वो अभी भी हैं, जिंदा हैं, तो कैसे महसूस करते हैं उस मंदिर में हामागुशी के आइडल, राइट, वो कैसे उनकी मदद करते हैं ट्रबल के टाइम जबकि वो तो जिंदा है। समझ पा रहे हैं, एक तरफ आप देखिए, एक तरफ हामागुशी जिंदा है, दूसरी तरफ उनकी आइडल बन चुकी है, तो वो कैसे इमेजिन करते हैं हामागुशी को एज अ गॉड, वो पूछ रहे हैं। ऑल्सो आई इंक्वायर्ड वेदर इट वॉज ओनली वन ऑफ हिज सोल विच दे हैड वर्शिप्ड ड्यूरिंग द लाइफ एंड वेदर दे हैव इमेजिन दैट पर्टिकुलर सोल टू हैव डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डिसीज्ड भूमि। और फिर उन्होंने ये भी पूछा कि क्या हामागुशी की सिर्फ यही एक सोल है या और भी सोल हैं, क्या उनकी और भी सोल हैं जो उस मंदिर में चली जाती है। ओके, क्योंकि हम सबको पता है जो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो आप कह सकते हैं जो चाइनीज़ फिलॉसफी है, चाइनीज़ नहीं सॉरी, जो आपकी जापानीज फिलॉसफी है उस पर ये कहा जाता है कि जब तक कि आपका जो शरीर है, ओके, वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि जब तक आपके शरीर के अंदर आत्मा है तब तक आप कहीं और नहीं जा सकते। ओके, जब तक आप कहीं और नहीं जा सकते, बाय जो जापानीज फिलॉसफी है, चाइनीज़ फिलॉसफी तो ये कहती है, ओके, और जापानीज फिलॉसफी ये कहती है कि एक इंसान के अंदर की आत्मा वो वहाँ से बाहर आ भी सकती है, इज़न्ट इट, इंसान के शरीर से बाहर आ भी सकती है। तो ये वही चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि मैंने पूछा कि क्या इनकी सोल जो है वो इनके शरीर से बाहर आ जाती है, डिटैच हो जाती है इनके शरीर से और अपने मंदिर में चली जाती है। द पीजेंट्स माई फ्रेंड आंसर थिंक ऑफ द माइंड स्पाइट स्प्रिट ऑफ अ पर्सन एज समवन हु इवन डूइंग लाइफ आफ्टर इन मैनी प्लेसेज एट दैट सेम इंस्टेंट सच एन आइडिया ऑफ कोर्स quite different from the Western ideas about the soul. मतलब जो ये आइडिया है Western ideas से काफ़ी different है, क्योंकि Western ideas में जैसे मैंने बताया उसमें ये माना जाता है कि जब तक आपका शरीर के अंदर soul है तब तक वो बाहर नहीं जा सकती, but Japanese ideas ये कहते हैं कि आपकी soul आपके शरीर से बाहर जा सकती है। ओके, तो यही वो चीज़ समझा रहे हैं कि हामागुशी तो जिंदा है पर उनकी soul जो है वो उस आइडियल में आ चुकी है। ओके, एनी मोर रैशनल आई मिस्टेकली आस्क, मतलब क्या कोई और लॉजिक है
क्या इस चीज़ का कोई और लॉजिक है? मैंने बहुत मिस्चीवियसली, मतलब बहुत मिस्चीवियस वे से पूछा। वेल ही रिस्पॉन्डेड विद अ बुद्धिस्ट स्माइल, मतलब उन्होंने बुद्धिस्ट स्माइल से पूछ मतलब रिस्पॉन्स किया, that if we accept the doctrine of unity of all mind, the idea of Japanese peasant would appear to contain at least some adumbration of truth. I could not say so much for your Western notion about the soul. मतलब जो unity का principle है वो ये कहता है कि Japanese peasant would appear to contain at least some adumbration of truth. मतलब उनके अंदर कुछ truth की झलक है और वही वो दिखाते हैं। ओके, देन एट द लास्ट जो पोइट है, जो ऑथर है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वेस्टर्न नोशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ओके, मैं तुम्हारी आई कुड नॉट से सो मच फॉर योर वेस्टर्न नोशन अबाउट योर अबाउट द सोल, मैं तुम्हारी वेस्टर्न नोशन के बारे में, तुम्हारी सोल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। देखो, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो ये मानता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी सोल आपसे बॉडी के बाहर नहीं जा सकती, पर जैपनीज का मानना ये है कि आपके अगर जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, तो आपकी सोल आपकी बॉडी से बाहर जा सकती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो पीजेंट फ्रेंड है, क्योंकि वो कहाँ का है, ही इज वेस्टर्न, ओके, ही इज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, तो वो ये चीज़ बिलीव नहीं कर पा रहा है कि हामाबुशी तो यहाँ जिंदा है, उनकी सोल उधर कैसे जा सकती। तो वही पॉइंट यहाँ पे ऑथर जो है वो समझा रहे हैं कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी जो यूनिटी है, डॉक्ट्राइन है, जो यूनिटी है वो आपसे उठकर कहीं और आपके आइडल में जा सकती है। ओके, और यहीं पर जो आपकी पूरी स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी क्लियर हुई होगी, मैंने दोबारा से इसे लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से बताया है। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एडवाइस टू यूथ को भी ऐसे ही देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड इफ़ यू लव दिस सेशन देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, subscribe to the channel, press the bell icon as well. Bye guys, have a good day. Bye guys.